तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बस पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोएम नंबर 2, बुक फर्स्ट लाइट, क्लास 10। और इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। और इसे लिखा गया है, इसके ऑथर हैं या फिर पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले पोएम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और ये एक आइडिया को एक्सप्रेस करती है। इट एक्सप्रेसिस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज, ये वर्ल्ड दो तरीके से ख़त्म हो सकता है। और वो दो तरीके क्या हैं, बाय आइस और बाय फायर, या फिर फायर से या फिर आइस से। फायर यहाँ क्या सिंबलाइज करता है, हमारे डिज़ायर्स, हमारी क्रूअल्टी, हमारा ग्रीड, मतलब हमारा लालच। और आइस सिंबलाइज करता है इनडिफरेंस, मतलब जो हमारे बीच में भेदभाव की भावना होती है वो। ये दो चीज़ें जो है अर्थ को ख़त्म कर सकती है। द पोएट हैज द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हैं फायर एंड आइस, और दोनों वर्ल्ड का अंत कर सकते हैं। तो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड किससे खत्म हो जाएगा, फायर से, और कुछ लोग कहते हैं आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मेरे डिजायर्स के कारण, पोएट ने खुद को भी टेस्ट किया होगा, आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं कि फायर एक दिन वर्ल्ड का एंड कर देगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्वाइस, अगर दो बार वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता था कि इनफ ऑफ हेट मतलब आज लोगों के बीच में हेट्रेड, एक दूसरे को ना चाहने की भावना से भी ये दुनिया का अंत हो सकता था। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, आइस भी बहुत ग्रेट होती है और सफाइस होती, मतलब सफिशेंट होती। तो सफाइस एक वर्ड वैसे तो नहीं है, लेकिन पोएट के पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है जिसके कारण वो राइमिंग वर्ड्स ऐड करने के लिए वर्ड्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। इन दीज लाइन्स द पोएट एनालाइसिस द व्यूज दैट व्यूज ऑफ द पीपल एंड स्टेट्स दैट देयर कैन बी टू पॉसिबल कॉजेज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के एंड होने के दो कॉज हो सकते हैं। ऑन वन साइड देयर आर पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, कुछ लोग मानते हैं कि वर्ल्ड किससे एंड हो सकता है, फायर से। फायर रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम डिजायर, हमारे डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है फायर, हमारे गुस्से को, हमारे लालच को, ठीक है, जो हम इंसानों के अंदर होती है। जबकि दूसरी तरफ, ऑन दी अदर साइड, कुछ लोग मानते हैं कि फेवर आइस को फेवर करते हैं, मतलब मानते हैं कि आइस दुनिया को खत्म कर सकती है। आइस का रिप्रेजेंट करता है हम ह्यूमन की जो इमोशंस होते हैं, जैसे हेट्रेड, एक दूसरे को ना चाहना, इनटॉलरेंस, एक दूसरे को टॉलरेट ना कर पाना। द पोएट फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पोएट ये मानता है कि जो वर्ल्ड है वो किससे एंड हो सकता है, फायर से एंड हो सकता है, आग इस दुनिया का अंत कर सकती है। इसलिए पोएट किन के साथ है, जो लोग फायर को फेवर करते हैं। सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है, इन दीज लाइन्स द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को दो बार एंड होना होता तो आइस भी डिस्ट्रॉय कर देती अर्थ को पूरी तरीके से, पूरी दुनिया को। पोएट कहता है कि जो हेट्रेड है, मतलब आइस है, वो एक बहुत ही पावरफुल है, वो उतनी ही पावरफुल है जितनी पावरफुल क्या होती है, फायर मतलब डिजायर्स। इन ह्यूमन बींग्स में हेट्रेड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही लंबे समय तक रहती है और हमारे दिलों में भर जाती है और पूरी जिंदगी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, पूरी जिंदगी हेट्रेड हमारे साथ रहती है दूसरे इंसान के लिए। इसलिए पोएट सोचता है कि आइस, या फिर हम हेट्रेड भी कह सकते हैं, वो भी सफिशेंट है दुनिया को एक अंत पे लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।